इसका रिमेक बनाऊंगा। सर ये तो सब लोग देख चुके हैं। तो बकवास ना कीजिए, अभी भी बी और सी सेंटर्स में बहुत लोग बचे हैं। इस रिमेक का नाम मैं रखूंगा अंधेरी रात। सर ये वो वाली रात नहीं है, नाइट विद ए के। ए के? कौन ए के? अक्षय कुमार, अनिल कपूर, अनुपम खेर, अनुराग कश्यप? अबे साले चाल क्या? लेकिन इसका प्लॉट बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप किससे डायरेक्ट करवाएंगे? आजकल नया ट्रेंड चालू है ना, तीन चार कहानियों को एक साथ रखना। उस पिक्चर के डायरेक्टर को बुलाते हैं, क्या था पिक्चर का नाम? लसड लव सेक्स और माया जाल कुछ कुछ सर, कुछ एलएसडी लव सेक्स और धोखा। हाँ वही वही वही। क्या था डायरेक्टर का नाम? दिबांकर भट्टाचार्य कुछ। दिबाकर बैनर्जी? हाँ वही वही। उसने इससे पहले वो बनाई थी ना, क्या नाम था? ओए बंटी बंटी अथया कुछ। ओए लकी लकी ओए। हाँ वही 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 वही। बैटमैन के रोल के लिए आप किसको लेंगे सर? अपने कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था बे? शाहरुख या सुनील शेट्टी? सर बैट्समैन नहीं, बैटमैन। अच्छा ये बड़ा अजीब हेलमेट पहनना है। हीरो किसे लेंगे सर? डुग्गू को लेते हैं, अपना ऋतिक। सर ऋतिक तो क्रिश 2 कर रहे हैं। तो अच्छी बात है ना, कॉस्ट्यूम का खर्चा बच जाएगा। बस ये हेलमेट बनवाना पड़ेगा। और सर जोकर के रोल के लिए? जॉनी लीवर? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। राजपाल यादव? नहीं साला बहुत ओवर एक्टिंग करता है। सर ये जोकर कॉमेडियन नहीं, इस फिल्म का विलन था। अच्छा? साले मेरी चाय कहाँ है? और उनको इस रोल के लिए ऑस्कर मिला था। अच्छा? बहुत दिनों से हिंदी फिल्मों में खतरनाक खौफनाक विलेन नहीं आया। अमरीश पुरी साहब को लेते हैं। सर अरे हाँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो फिर इसी को लेते हैं ना, हीट लेजर। हाँ आजकल बहुत सारे हॉलीवुड वाले यहाँ आकर देसी पिक्चरों में काम कर रहे हैं। हीट लेजर भी क्या ऊपर के फ्लोर पर है? नहीं सर, अमरीश पुरी सर के साथ है। क्या? ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।